जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित 10 मार्च को होने वाले मतगणना स्थल का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि 10 मार्च को मतगणना को संपन्न कराने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है, जिसके लिए सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया है। इसके साथ पीएसी केंद्रीय सुरक्षा बल को भी मतगणना स्थल पर तैनात किया गया है और सभी पुलिसकर्मियों को निर्वाचन आयोग के नियमों की जानकारी दे दी गई है। कल सुबह से पुलिस फोर्स अलर्ट पर रहेगी। मतगणना को संपन्न कराने के लिए 2500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कल पूरे दिन मतगणना स्थल पर चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और सभी थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी भ्रमण पर रहेंगे, जिससे कोई घटना हो तो तत्काल मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई किया जा सके। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, प्रशांत से बात करो, पार्किंग का क्लियर है और बैरियर इसका ठीक लगा है ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत, वो जो मीडिया सेंटर में वाईफाई लगवा दो उनको, अगर व्हाट्सएप नहीं चलेगा उसमें कल तो बहुत दिक्कत है, वाईफाई वहाँ पे नेट कनेक्शन करवा दें। एक नीरज से बात करो, और वहाँ भी जहाँ दीक्षा भवन में टीवी लग रही है वहाँ, ठीक है, वो कब ला के देखेंगे एक बार, मेरा दिन कब होगा? नहीं नहीं नहीं, कल सुबह क्या रिपोर्ट इंटेक करें? मार्च मुझे बुलाया है, आएंगे अपना आधा एक घंटा घूमेंगे, सब देख लेंगे ड्यूटी पॉइंट वगैरह, वगैरह भी आ जाएगी, तो एक वो रहेगा कि आगे तक पहुँच गई। हमारा सेकेंड शिफ्ट के लिए रिजर्व स्टाफ आता है, वो 12 बजे टाइम उनको भी अलाउ करें। हाँ, वो तो जो पास लेके आएगा उसको बता, 12 बजे होंगे, और जो नहीं लाया पास उसको भी ये बोल देंगे भाई आप खड़े हो जाओ, हम बात कर लेते हैं, अगर आपका होगा तो अंदर भेज देंगे। टोटल मतगणना उसको लेकर क्या करेंगे? कल मतगणना को लेकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है और आज पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग भी की गई है, हमें पैरामिलिट्री फोर्स भी मिला है, पीएसी भी मिली है, उनकी तैनाती की गई है नियमानुसार और सभी को नियमों से भलीभांति अवगत कराया गया है। कल सुबह से ही फोर्स अलर्ट रहेगी और लगभग 2500 की संख्या में पुलिसकर्मी लगे हैं। कल पूरे दिन चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, मतगणना स्थल पर और आसपास के एरिया में और सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस भ्रमण पर रहेगी, कहीं कोई घटना होगी, कोई सूचना होगी, तत्काल उसको अटेंड किया जाएगा।